रहा हूँ ना दिन देख रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने आज फिर वीवीपैट और ईवीएम पे सवाल उठाया, कहा है कि पर्ची केवल थोड़ी देर के लिए देखने को मिलती है, फिर उसका क्या? जब जब कांग्रेस को हार का संकेत मिल जाता है तो वो जनता को कोसती है, डब्बे को कोसती है और सभी को कोसती है। और अगर राय साहब ने ये जरूर कहा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस मान चुकी है कि वो ये चुनाव हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी कितना अनुमान लगा के चल रही है? अगर मेरा मुझे पूरा विश्वास है, आप मुझे पिछले 20 साल से जानते हो, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश में आएगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, प्रधानमंत्री जी के साथ, हमारी योजनाओं के साथ, हमारे शिवराज सिंह जी की मेहनत के साथ, और हम पांचवी बार प्रदेश में जनता के आशीर्वाद और जनता की सेवा के लिए सरकार बनाएंगे और वही सरकार जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए चलेगी। कमलनाथ जी का कहना है कि हम जब भी मंदिर जाते हैं तो बीजेपी घबराने लगती है। अब जो लोग जिंदगी में केवल चुनावी समय में मंदिर जाएं, उससे हमें घबराने या न घबराने का कोई मतलब नहीं है। मंदिर जाना या न जाना ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आपके अंतर आत्मा की आवाज़ और पुकार है। पर ये तो बड़ा अजीब संयोग है कि जब चुनाव आते हैं तो अमरकंटक से ओंकारेश्वर तक, ओंकारेश्वर से महाकाल तक, महाकाल से कोटेश्वर तक, कोटेश्वर से पीताम्बरा पीठ तक, पीताम्बरा पीठ से ओरछा में राम राज्य तक, सब दूर कांग्रेस के नेता ही नेता दिखते हैं, 5 साल में सारे के सारे गायब हो जाते हैं। कांग्रेस के पास तो 10 साल था ना, तो कांग्रेस ने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस के पास 10 साल था तो कांग्रेस ने उज्जैन में महाकाल लोक क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस के पास 10 साल था तो कांग्रेस ने संत रविदास जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस के पास 10 साल था, कांग्रेस ने आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर जनजातीय दिवस क्यों नहीं आयोजित किया? अब बरसाती समय में उछल उछल कर कुएं से भाग उतरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भैया, जनता सब जानती है। कतर में 8 भारतीय।